कॉलेज का पेपर छोड़ के गया बंक पे। वैसे मैंने 3.5 घंटे का पेपर 1.5 घंटे में देखे फुर। बस यहाँ पे एक वो है पाउंड सा, उसमें लोग सिक्के डालते हैं बस, और कहीं जाओ चाहे ना जाओ स्टोरी बननी ज़रूरी है। दैट्स द व्यू यार। भाई फ़ोन बार बार हक दे रहा है, बार बार बंद हो जा रहा है ओवर हीट के चक्कर में। यार दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा, सोच भी नहीं सकते इतनी ज़्यादा गर्मी है। पता नहीं कहाँ से इतनी गर्मी आ रही है। अब मैं मेट्रो आ गया हूँ, अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो अब सोच रहा हूँ मैं आप लोगों को लोटस टेम्पल भी दिखा दूँ, क्योंकि हल्का जी मेट्रो स्टेशन के 10 मिनट आगे ही लोटस टेम्पल है, तो वहाँ भी थोड़ा सा एक चक्कर काट जाते हैं, क्योंकि मेरे पे कंटेंट बहुत कम है, मतलब ख़त्म है, तो कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ेगा ना। एलिवेटर का एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपने कभी एलिवेटर पर ये ना कराओ, जूते साफ ना करो, तो आपका तो जीना ही बेकार है, मत जियो, मर जाओ। मुझे जाना है लोटस टेम्पल, पता नहीं भी अभी क्या हुआ, अभी मैं ऊपर गया, ऊपर से वहीं नीचे आ गया जहाँ से मैंने स्टार्ट करा था। अब दोबारा जाओ दोबारा, अब ये मत सोचना कि मैं एलिवेटर के लिए यहाँ पे आ रहा हूँ, आगे भी बहुत सारी जगह पे आएगा। पता नहीं ऊपर गया मैं, लोटस टेम्पल का रास्ता लिखा था, मैं वहीं से आया, साला वहीं पर घुसा दिया मुझे। मैं भी पागल हूँ। वहाँ पर लिखा रखा ना लोटस टेम्पल। अरे यार जूम आईफोन तोड़ी ना, अब लग रही है थोड़ी बहुत भीड़। ये वाला स्टेशन ही वैसा ही है, इसमें भीड़ रहती है बहुत ज़्यादा। अभी तो कुछ नहीं, जब मैं आया था तब तो लाइन वाइज चलना पड़ता था, लाइन लगी हुई थी, और अब तो सही है। मेट्रो से बाहर तो आ गया हूँ, अब गोल्डन टेम्पल का रास्ता ढूंढना पड़ेगा, मैप पे देखूंगा, लेकिन उससे पहले टोपी पहन लूँ, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है यार। टोपी की व्यवस्था भी है मेरे पे, सब कुछ है मेरे पे, A to Z चीज़ें, पूरी तैयारी में आता हूँ मैं जहाँ भी आता हूँ। मुझे लग रहा है मेरा थोड़ा कट चुका है, क्योंकि ये सिर्फ मंदिर जाने के लिए रास्ता है, यहाँ लिख रखा है यहाँ हम रास्ता नहीं है, सिर्फ मंदिर जाने के लिए। अब वापस जाना पड़ेगा थोड़ा आगे से, कोई नहीं इतना तो चल ही लेंगे। वीडियो जो बनानी है, वीडियो बनाने के लिए सिर्फ मैं यहाँ पे आया हूँ, वरना आता नहीं, क्योंकि मेरे पे और कुछ है भी नहीं बनाने के लिए, क्योंकि पेपर चल रहे हैं, दिन में मैं कहीं जा भी नहीं सकता, और अभी है ऐसे 10 मिनट का रास्ता था इसलिए मैं आ गया, वरना आता भी नहीं। रास्ता बताया भैया ने आगे से जाके राइट फाटक, अच्छा गाड़ी ना पाए यार, पता नहीं कितना दूर, मैं तो सोच के आया था कि पास में ही होगा, साला बहुत ज़्यादा चलना पड़ रहा है इतनी धूप में। ये डॉगी क्या कर रहा, अरे ये तो रहा यार, मैं भी ना जहाँ से मैं वीडियो बना रहा था उसके लेफ्ट में ही था वो, और भाई साहब भीड़ बहुत ज़्यादा है यार, मैं तो सोच के आया था कि भीड़ नहीं होगी, अकेले आराम से वीडियो बना लूँगा, कि होंगे 10-12 जने, पूरी लाइन लगी पड़ी है, लगता है यहाँ भी कट चुका है थोड़ा। तो अभी आलू टिक्की खा रहा हूँ, बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी, खा के बताता हूँ वो कैसी होती थी। टेस्ट का अंदाज़ा इससे लगा सकते हो, वो मैंने छोड़ दिया, अच्छा नहीं हो रहा सच में, और वो यहीं खड़ा है मैं बोल रहा हूँ। अब इसके साथ में ड्यू लिया है, अब क्या पता अच्छा लगे, तो थोड़ा बहुत ख़त्म, क्योंकि भूख बहुत ज़ोर की लग रही है और टेस्ट बिल्कुल बेकार है। भाई लोग पागल है कि इसको देखने के लिए इतनी दूर दूर से इतनी धूप में घूम रहे हैं, मेरी तो मजबूरी थी, मैं इसलिए आया, और बाकी लोग धूप में टोपी ओपी लगा के एकदम तैयार हो गए, क्यों? अभी फॉरनर्स की झुंड थी, फॉरनर देखने आ रहे थे इसको। अब यहाँ पे एक और दिक्कत, जूते खोल के हेलमेट डाल के रख दो। भाई मैं तो अंदर नहीं जा रहा, अंदर कुछ भी नहीं है, फालतू में जूते उतार के रखो फिर लेने आओ, और इतने गर्म उसमें चलो। बस यहाँ पे एक वो है पाउंड सा, उसमें लोग सिक्के डालते हैं बस। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि मेरा फ़ोन मुझे बोल रहा है कि ओवरहीट हो गया है, कैमरा बंद करो अपना, और मैं वीडियो बनाए जा रहा हूँ, बार बार नोटिफिकेशन आ जा रही है हर 2 मिनट में, और बस देखो मैंने दिखा दिया ना यही है, और अंदर से मैं इसीलिए नहीं दिखा पा रहा क्योंकि मैंने बताया था ना आपको कुछ अंदर है नहीं, फालतू का है बस जाना, लोग यही देखने आते हैं बाहर का स्ट्रक्चर। और अभी मुझे फोटोग्राफर मिले थे दो, वो फ़ोटो खींच रहे थे अपनी, और अपनी नहीं मतलब इसकी फ़ोटो खींच रहे थे, और वो भी कह रहे थे अंदर क्या ही, अंदर कुछ भी नहीं निकला भाई, बेफालतू में गए हम, और बस यही सीन है। उनके पास 2-2, 3-3 कैमरे थे, एक दिन हमारे पास भी होंगे, टेंशन ना लो। और भाई मैं अपनी कोई फ़ोटो नहीं खींच पाया क्योंकि मैं सोलो आया हूँ, और सोलो भी अपना ही मज़ा है, बस ये है कि यार फ़ोटो नहीं खींच सकते अपनी, बाकी सब तो मस्त है। और अभी ज़रा थोड़ा फेस वॉश कर लेते हैं, इतनी ज़्यादा धूप में पसीना पसीना हो रखा है। ये रहे हम, थोड़ा सा मुँह धो लेते हैं, और धो लिया है, धो लेते हैं क्या, ये पसीना नहीं है इतना सारा यार। फिर से नोटिफिकेशन आ गई है, फ़ोन बंद करो, हर 2-2 मिनट बाद आ रही है, फ़ोन बंद करो, फ़ोन बंद करो, क्यों बंद करो, मेरा फ़ोन है भाई, फूट जा। बस यार चलता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, एक बजने वाले हैं, और इतनी धूप में कहाँ ही भटकूँ मैं, और अकेला हूँ, थोड़ा बोर सा भी हो रहा हूँ। वैसे मैं अकेले बोर तो नहीं होता, लेकिन अभी हो रहा हूँ क्योंकि इतनी धूप है यार। अभी इसको टाटा बाय बाय बोलते हैं, बाय बाय चलते हैं, दोबारा मेट्रो पकड़ो, पैदल पैदल चलो, घर तक पहुँचो, बस यही है। ओह पेड़ पे देखो, पेड़ पे आम, अरे यार कैमरा होता जूम करके दिखाता,
लेकिन कोई तोड़ नहीं सकता क्योंकि हर जगह सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, आगे भी खड़ा है मेरे सामने, पीछे भी जहाँ मैं जहाँ मतलब बाथरूम था वहाँ भी है, तो तोड़ नहीं सकते। और बाकी सब मस्त है, मतलब आओ शाम को अपने दोस्तों के साथ घूम के चले जाओ। एक राउंड और लगा लेता हूँ क्योंकि इंस्टाग्राम के लिए स्टोरी नहीं बनी, भूल गया मैं, और कहीं जाओ चाहे ना जाओ स्टोरी बननी ज़रूरी है। दैट्स द व्यू। अभी मैं कह रहा था कि बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, मैं ज़रा सा भी घूमने का मन नहीं कर रहा, और दोबारा राउंड ये सिर्फ स्टोरी की वजह से, अगर स्टोरी नहीं बनानी होती तो मैं दोबारा आता भी नहीं। नाउ अगेन आई एम इन फ्रंट, और अब बस लास्ट टाइम है, इसको बाय बाय कर दो, बाय बाय लोटस टेम्पल, फिर मिलेंगे कभी। दोबारा उसी लोकेशन पे हो जहाँ मैं पहले था, और अब चलते हैं, अलविदा बोलते हैं इसको भी। यार अगर आप वीडियो देखते हो ना तो रिव्यू दे दिया करो, क्योंकि स्टार्टिंग में रिव्यू बहुत ज़रूरी होते हैं कि क्या सुधारना है क्या नहीं सुधारना, और कोई बोलता ही नहीं है, मतलब एक दो बोलते हैं वो नाइस कह देते हैं या कुछ और सवाल पूछ लेते हैं, लेकिन रिव्यू दे दिया करो कि वीडियो कैसी बनी है। यार भाई फ़ोन बार बार हक दे रहा है, बार बार बंद हो जा रहा है ओवरहीट के चक्कर में। ये लास्ट व्यू यहाँ का देख लो, अभी पानी खरीद के फ़ोन को धोया है, और तब जाके ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, वरना हर 3 सेकंड बाद फ़ोन बंद, 3 सेकंड बाद फ़ोन बंद। मजाक कर रहा हूँ, पागल थोड़ी ना, फ़ोन से धो दूंगा। 10 मिनट रुका और सब नॉर्मल हो गया। अब पीने के लिए गया था, iPhone 13 थोड़ी ना जो धो दूंगा। ये है कालकाजी मंदिर, कालकाजी मंदिर आने के लिए टाइम लगता है, मतलब अंदर जाके दर्शन करो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, लाइन में लगो। और लोटस टेम्पल के लिए ऐसा कुछ था नहीं, वैसे भीड़ बहुत थी लोटस टेम्पल में भी, लेकिन लाइन वाइन का कोई झंझट नहीं था। और ये रहा मेट्रो स्टेशन आ गया, मैं जल्दी से घर निकलते हैं यार, परेशान हो गया मैं। मैंने ना एक चीज़ देखी, अगर एक बार वीडियो बनना स्टार्ट हो गया ना, मतलब जैसे 5-7 मिनट बना लिया, उसके बाद जो फ्लो बनता है मज़ा ही आ गया। अब सीधा ना घर जाके मिलता हूँ, बस की नहीं है। मुँह की हालत देखो मेरी, पहले पसीने पसीने से भर गया हूँ मैं। टाइम देखो, दिख रहा है आज ना दिन ही ख़राब है, फ़ोन भी गिर गया है यार, क्रैक पड़ गया आगे से, पता नहीं टेम्पर्ड पे स्क्रीन पे पता नहीं चल रहा, लेकिन फ़ोन गिर गया। गोल्डन टेम्पल में इतनी धूप है, पेपर बेकार गया, पता नहीं दिन ख़राब चल रहा है आजकल। भाई फाइनली घर पहुंच ही गया मैं आखिरकार, और अब लिफ्ट लेते हैं क्या? लिफ्ट ले ही लेते हैं, वैसे इसकी ज़रूरत तो नहीं है लिफ्ट लेने की, मैं आदमखोर आदमी हूँ, आराम से चल सकता हूँ पैदल। बट यार अब घर जाने का क्या सीन होगा, ऑटो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और कुछ खाने के लिए भी ढूंढना पड़ेगा क्योंकि मम्मी अभी घर में नहीं है, मम्मी भी कहीं गई हुई है, तो उसके लिए भी देखते हैं। घर तो आ गया हूँ मैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ टाइटल क्या रखूँ। कॉलेज का पेपर छोड़ के गया बंक पे, पेपर से ज़्यादा घूमना ज़रूरी। लोग क्लिक तो करेंगे, वैसे रखूँगा। और वैसे मैंने 3.5 घंटे का पेपर 1.5-2 घंटे में देखे, फुर कुछ आई नहीं रहा था, मैं बैठ करता क्या, सब शक्ल देख रहे एक दूसरे की। मैंने बोला चलो निकलो भाई। तो आते आते खाने के लिए छोले कुलचे ले आया था, और उसके साथ बना लिया प्रोटीन। प्रोटीन नहीं है, ऑरेंज ग्लूकॉन डी है प्रोटीन के डब्बे में।